सो so, पूछा गया था ये चार ऑप्शन दिया था कौन सा ऑप्शन सही है तो जानते तीन तरह की चीज रहता है रूट मीन स्क्वायर मोस्ट पावरबल एंड एवरेज स्पीड तो मोस्ट पावर टू के बी टी बाई एम का रूट ओवर एंड एवरेज होता है एट के बी टी बाई एम का रूट ओवर एंड वी आर एम एस तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है थ्री के बी टी बाई एम रोहल रूट ओवर सो so, वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ टी बाई एम भी लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्स रहता है रूट एम सो ये यूज करेंगे हम तो है कि भी दिया है, है, तो एक जानते है कि फॉर हाइड्रोजन का मास होता है एक का मास तो फॉर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हीलियम होता है ये जानते हैं कि हीलियम टू फोर रहता है फोर मास रहता है और हाइड्रोजन का वन रहता है मास तो ऑफ हाइड्रोजन मास एक मास हीलियम का रहता है ये बेसिक चीज है तो ये फुट करेंगे हम जानते हैं कि वी एच वाई भी हाइड्रोजन बाई हीलियम को लिख सकते हैं टी वन ठीक है बाई टी टू इधर मास यूनिवर्सरी हो जाएगा सो मास बाई मास ऑफ हाइड्रोजन का होल रूट

ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपको मार्क करना था ऑप्शन सी जस्ट बेसिक चीज था तो ऑप्शन सी इज द गुड राइट आंसर मार्क कीजिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देन मूव टू सेकंड दैट फास्ट ऑर्डर राइटर ट्रांजिशन बिटवीन ग्राफ बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर एंट्रोपी तो ग्राफ पूछा था क्रिटिकल टेम्परेचर एंट्रोपी ऑप्शन मुझे मालूम नहीं था कौन सा ऑप्शन में कौन सा फिगर था लेकिन ऐसे ग्राफ रहता है क्योंकि फास्ट और फेस्ट ट्रांजिशन में एंट्रोपी और टीसी के ग्राफ जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता है ठीक है तो टी इधर में है टीसी टी तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर टी सी और एंट्रोपी एस इस शर्त होता है वाई एक्सिस में तो इधर में पॉइंट लेता है हम एक टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर का ऐसे पॉइंट रहता है टीसी बोल सकते हैं तो ऐसे ग्राफ रहता है ठीक है तो ऐसे रहता है डिसकंटिन्यूस ग्राफ रहता है और ऐसे जाता है तो जो ई ग्राफ ई ग्राफ होगा ऑप्शन में वही सही था ठीक है लेकिन ये फास्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में रहता है फास्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में जानते हैं कि वॉल्यूम टेम्परेचर का भी डिस्कटिन्यूअस ग्राफ होता है कि फंक्शन और टेम्परेचर का ग्राफ भी कंटिन्यूअस रहता है मगर सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में ये कंटिन्यूअस ग्राफ रहता है ऐसे कंटिन्यूअस ग्राफ रहता है ठीक है ये सेकंड ऑर्डर होता है टी और एस में लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता है डिसकंटिन्यूस ठीक है तो यही ग्राफ होगा ऐसे टाइप ग्राफ आएगा तो ये जो भी ऑप्शन में ही था तो मार्क करना था हमको ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स गिवन दैट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर्मूला सी जी पर ई माइनस म्यू बाई के टी प्लस वन का इनवर्स दैट इज म्यू केमिकल पोटेंशियल एंड वजन पर ई माइनस म्यू बाई के टी माइनस वन इनवर्स देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर क्लासिकल रीजन तो कौन सा कंडीशन है क्लासिकल रीजन के लिए तो जानते हैं क्लासिकल रीजन मैक्सवेल वॉल्समैन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है एफ वन बाई पर ई माइनस म्यू बाई के टी ठीक है तो ई पर म्यू बाई के टी सो अगर ई माइनस म्यू इज ग्रेटर ग्रेटर देन के टी होता है मैं फर्मियंस और वजन में

सो so, इसका इंटीरियर वैल्यू पूछा गया था तो जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ आर पावर एन आर के अगर एन इक्वल टू माइनस टू रहता है जैसे कि इधर में है डेल्टा पाई वन बाई आर स्क्वायर ठीक है वन बाई आर स्क्वायर आरकेफ ठीक है तो क्या आएगा फोर पाई डेल्टा क्यू आर डेल्टा फंक्शन लेता है ठीक है तो पुट कर सकते हैं इधर तो फॉर आर आर फाइव क्यू आर इंटू डी फॉर फाइव का होल स्क्वायर डेल क्यू आर, आर, तो तो आर, आर, आर माइनस जीरो सकते है इंटू डी क्यू आर तो ये पॉइंट में फंक्शन रहता है इंफिनिटी तो इस फंक्शन को हम जीरो पकड़ सकते हैं तो इधर में डायरेक्टली हम आर को जीरो ले सकते हैं सो फोर फाइव इक्वल टू पावर जीरो सो फोर फाइव इंटू वन सो फोर फाइव क्योंकि अगर हम डेल्टा फंक्शन पढ़ेंगे तो जान पाएंगे कि विद दिस पॉइंट दिस फंक्शन विल टेक दिस पॉइंट सो जानते हैं कि डेल्टा फंक्शन रहता है एफ ऑफ एक्स डेल्टा ऑफ एक्स माइनस समथिंग सी ठीक है इंटू डी एक्स तो ये एफ ऑफ सी लेता है एक्स के थ्रू हम सी पकड़ सकते हैं एफ ऑफ सी डेल्टा फंक्शन का एक प्रॉपर्टीज है सो so, इधर में आर माइनस पॉइंट जगह जीरो है तो इधर में स्मोल आर जीरो पकड़ सकते हैं सो जीरोक्वल टू वन सो फॉर फाइव तो फॉर फाइव द करेक्ट आंसर मार्क कीजिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर फाइव ये क्वेश्चन का ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम टी सो so, दिया था कि थ्री चार्जेस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लेट ऑन दी थ्री वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल देन द दे ट्राइंगल्टेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डब्ल्यू भी जानते वर्क डन सो डब्लू इक्वल टू डी क्यू होता है जानते हैं हम सो पोटेंशियल अगर निकल के क्यू एड कर देंगे तो वही आंसर रह जाएगा लेकिन हम ऐसे ही कर सकते हैं बहुत इजी मेथड है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इधर में क्यू चार्ज थ्री वर्टीस में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा क्यू एनर्जी क्या हो सकता है देखिए पहले ये वन ये टू और थ्री थ्री है, थ्री कॉम्बिनेशन होगा उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सो ये पहले का चार्ज देखिए तो ये इसके साथ एनर्जी कॉम्बिनेशन करेगा तो क्या आएगा पहला डब्लू वन इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर आएगा इसके साथ काम हो गया देन ये सेकंड के साथ करेगा कॉम्बिनेशन दैट इज डब्ल्यू टू इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर तो ये इसके साथ हो गया और उसका उसके साथ हो गया लेकिन ये दू थ्री का साथ अभी बाकी है करना कॉम्बिनेशन तो डब्ल्यू थ्री होगा ये दोनों के साथ क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना ये पहला इसके साथ किया तो कॉम्बिनेशन में इतना एनर्जी आया उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन में इतना एनर्जी आया देन टू थ्री पॉइंट कॉम्बिनेशन करेगा तो के क्यू स्क्वायर बाय आर आएगा ठीक है ये तीनों आएगा टर्म एनर्जी टर्म सो टोटल नेट एनर्जी

ऐसे पकड़ेंगे बहुत इजी कर सकते हैं क्योंकि थ्री चार्जेस वन टू थ्री पॉइंट दे देंगे दे 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 तो वन के साथ टू करेगा कॉम्बिनेशन वन के साथ थ्री करेगा ठीक है चला गया दो एनर्जी देन टू के साथ थ्री हो गया सबका एनर्जी देन एड कर देंगे सिंपली एड कर सकते हैं ठीक है तो थ्री यूज कर तो ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर ये था कुछ आंसर तो पार्ट टू वीडियो तो नेक्स्ट में पार्ट थ्री वीडियो दूंगा तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए कैसा लग रहा है ठीक है चलिए रखते हैं